बग्गा और गुड्डू नामक दो मित्र थे, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता किया करते थे। इनके बीच घनी मित्रता थी। एक दिन इनकी घनी मित्रता के बीच एक फकीर आ गिरा। हुआ ये कि फकीर कुछ दिनों के लिए ढोलकपुर में अपनी गाय बेचने आया। अब बग्गा ने फकीर से एक गाय खरीदी और उसका नाम रख दिया हैप्पी। उसके दूध की मात्रा और स्वाद अच्छे होने से बग्गा काफी हैप्पी था, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि हैप्पी गांव से गायब हो गई थी। इसी दौरान गुड्डू ने भी फकीर से गाय खरीदी और इसे बेचते ही फकीर अपनी छावनी के साथ गांव से लुप्त हो गया। बग्गा अपनी गाय ढूंढता हुआ खेतों में इधर उधर घूमता रहा, पर उसे गाय ना मिली। फिर वह सहायता के लिए अपने मित्र गुड्डू के पास गया तो उसने थोड़े दिनों के लिए अपनी गाय दे दी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब बग्गा दूध निकालने गया। उसने अपने हैप्पी को पहचान लिया। फिर क्या था, बग्गा ने गुड्डू को चोर मान लिया और अपने भाइयों के साथ मिलकर उसने घर के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। अपने मित्र के आरोप को गलत ठहराते हुए गुड्डू भी आग को बुला उठा और अपनी गाय की मांग करने लगा। जब गुड्डू की पत्नी बीच में आई तब तो घमासान झगड़ा होने लगा। तब गांव वालों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां गुड्डू को उसकी गाय चाहिए वहीं बग्गा गाय को अपनी कहकर गुड्डू को चोर घोषित कर रहा है। पहला पक्ष गुड्डू और उसकी पत्नी, दूसरा पक्ष बग्गा और उसके भाई। पंचायत की अनुमति है मामला शुरू किया जाए, परिचय दिया जाए, दोनों टीमों से अनुरोध है। हम है गुड्डू। आई एम बग्गा चंदन कुमार। भैया हमारी पत्नी है। पत्नी बड़ी खूबसूरत है। बाकी परिवार के लोग हैं। बाकी परिवार के लोग हैं। बहुत बड़ा परिवार है। अरे हमारे सपोर्टर पूरा गांव उठा के ले आया है। अरे बग्गा जी आधार कार्ड बनवाए हैं, पहले बनवाइए आधार कार्ड। तो आप बग्गा हैं और हैप्पी कहाँ है? चलिए ठीक है, दोनों टीमों से अनुरोध है। दूध बड़ा बढ़िया था हैप्पी का। अरे थोड़ा सा आप अपनी दलीलें दिए जाए, दलील दीजिए। देखिए हम मित्रता के वास्ते इन लोग को अपनी गाय दे दिए, भाई दूध निकाल दो, तुम्हारे पास दूध नहीं है, ठीक है। अब ये हमको चोट ठहरा रहा था, ये सही बात हुई क्या? बिल्कुल गलत बात। मित्र ये चोर किस्म के लोग हैं, इनको रहने नहीं देना चाहिए यहाँ पर। किसी पे आप आरोप अपने मित्र के पास देखा, मेरा अपना गाय है हैप्पी और मैं जब दूध निकालने गया तो इन्हें पाया कि ये गाय। अरे हैप्पी की इतनी फिक्र थी आपको तो छोड़ेगा हैप्पी को? छोड़ेगा ये चोरी हो गई तो भगाएगा। ये पंचायत के सामने अनुशासन बनाए रखा जाए। उसको भगा के ले गए हम। दोस्ती के नाते उनको गाय दिए दूल्हे को और तुम चोर बता रहे हो हमको? एक आदमी बोले गाय अपना ले लिए थे और देखा दोस्ती के नाते अपना हमें दे दिए, चोरी करके फिर हमें दोस्ती आना दिखा रहे हैं। देखो हम ये समझते हैं फकीर ने तुम्हारे साथ धोखा खड़ी की थी और इसका ये मतलब नहीं कि हम चोर हैं, ठीक है। हमने दोस्ती के नाते तुमको दिया था और ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ, आज गाय हमारी और हमारी ही रहेगी, कुछ नहीं कर सकते। गाँव से निकाल दो, चोरी भी की है। देखिए 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 शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। देखिए ऐसा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, भाई लोग बैठे हैं उधर इधर भी। आप लोग अपने दलील रखे बताइए आप क्या चाहते हैं। अरे आप अपने महरारू को बोलिए और बोलेंगे। ठीक है बहुत खूबसूरत लग रही है, बोलिए। शर्माती भी है, रुकिए जरा। शर्म आ रहा है जी, बोलिए बोलिए कोई बात नहीं। देखिए बात तो सीधी है, गाय हमारी माता है और इन्हें कुछ नहीं आता है और इनसे कुछ नहीं मिलता है। देखिए ऐसे ऐसे बीच बीच में जो है, बीच बीच में ऐसे परिवार पे कमेंट ना करें, किसी के गलत बात होती है। हाँ बोला जाए। गाय हमारी माता है जैसे मैंने पहले कहा। अब देखो कोई माता को कोई चोरी करता है, गलत बात हो गई। गलत बात है। अरे मैं रारू बोल रही है, सुनिए जरा।
देखिए बात ये है कि फकीर ने आपको गाय बेची, ठीक है, ये फकीर निकला चोर, ठीक है, और फिर उसने गाय हमको आकर बेच दी, हमने दोस्ती के नाते आपको दे दी, तो हम दोनों आपस में लड़ने से बेहतर है कि पूरा गांव लेके जाओ फकीर को ढूंढा चल के, क्यों मानते हैं आप लोग? आपने चोरी गाय क्यों कर दिया? आपको पता नहीं है क्या गाय चोरी चीन नहीं करते जाते हैं? अरे भाई साहब आप ही तो आए थे हमको बताने गाय चोरी हो गई। अरे आप आपको फकीर ने सस्ती में बेच दिया, आपने चोरी तो कर ली और क्या किया, आपने धोखा दे दिया, आप कह रहे हैं कि गाय हमें दे दो और हम ढूंढने चल के फकीर को, ये तो हमारी गाय को चोरी करने के बाद आपने गाय खरीदा था तो उसका आधार कार्ड बनवाया था? बहुत जरूरी सवाल, आप बनवाए हैं? हम बनवाए हैं, बताइए जरा। उसका नंबर है 4234125637822333। तुरंत ही वैलिडेट किया जाए, तुरंत ही गाय के लिए चार नंबर एक्स्ट्रा। शांति शांति शांति, तुरंत ही आधार नंबर वैलिडेट किया जाए, तुरंत चेक किया जाए आधार नंबर सही है या नहीं। अरे सरपंच जी तीन डिजिट ज्यादा हो गया आधार नंबर, ज्यादा है वो गाय का आधार, माता है सम्मान के लिए तीन नंबर ज्यादा नहीं देंगे क्या? नहीं नहीं ऐसी बात कर रहे हैं आप, माता के सम्मान के लिए देंगे, लेकिन इन्होंने जो बनवाया अपने माता अपने लिए भी क्या उसी बनवाया? अरे हमारे लिए 12 डिजिट। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप बात आप UAIDAI की ऑफिस में आप जाके चेक कर सकते हैं, वो हमारे कामिया माता जी रजिस्टर्ड है, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा पिताजी माताजी बड़े देर से बोल रहे भाई, परिवार के और लोग भी बोले, परिवार के चाची को दिया जाए, चाचा को दिया जाए, गांव उठा के लाए सबसे बात करवाते हैं। हाँ जी परिचय दे दीजिए, कौन है आप पहले, चाची है मामी है क्या है? बुआ है, बुआ है, अच्छा बुआ, बुआ जी बोला जाए। देखिए थोड़ा सा आपकी टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ी है, अस्तबल घोड़ों का होता है, गाय की गौशाला होती है। नहीं ये तो टेक्निकल एरर 404 हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पेश की जाए, एक मिनट, आप एग्री करते हैं कि जो गाय है वो हैप्पी है, तो ये एग्री क्या होता है? खेती का बात कर रहे हैं, एग्री ही अच्छा अच्छा, और आप सहमत करते हैं कि आपको वो गाय वो फकीर ने भेजा था, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि फकीर का कौन सा हक बनता है वो गाय बेचेगा, वो गाय तो हमारा था ना, तो आपका कैसा हक बनता? आप कितने केयरलेस लोग हैं कि आपको जो आपने चीज खरीदी है वो आप कैसे संभाल के नहीं रख सकते? हम अपनी हैप्पी गाय आपको देंगे, वो दुख के मारे मर जाएगी आपके साथ, हम नहीं लेंगे गाय। अरे रुपये मर गए, ये 12 महीने से काउंटडाउन चल रहा है ना, उसका नाम अब हैप्पी ईयर है, वो हैप्पी नहीं है, गाय ने उसको खुशी 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 बाहर कर दिया है, हैप्पी खुशी है, आपने इंग्लिश में क्यों ला दिया साला, देखिए साला ये ना गाय हमारी है, आपने हिंदी इंग्लिश मिला दिए, गाय का भी है, गाय चेंज कर दिए का, बताइए कराया है, अगर आप हमारी गाय लेंगे तो मोदी और योगी जी दोनों नाराज हो जाएंगे, और फिर आप बचेंगे नहीं, अब हम इसमें मोदी जी का हाथ है, आप समझ नहीं रहे क्या तरफ से ना, मोदी अमूल अमूल डायरी को प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, शांति रखिए शांति रखिए शांति रखिए, तो चाचा कोने में बैठे हैं, चाचा चाचा कुछ बोले, चाचा कोने में बैठे हैं, चाचा आप अमूल डेयरी में बोल रहे हैं, आप दूध देते हैं, आप लोग क्या गुजरात की महिलाएं हैं? राहुल गांधी है मतलब, मैं गुड्डू की आज तीन बातें ना की जाए, आपने थोड़ा पंचायत की मर्यादा का ख्याल रखिए, पंचायत के साथ दो दस दो पंचायत दो गुड्डू जी, आप एक तो थोड़ा आराम से सांस वास लीजिए, आपका बीपी तेज हो जाता है, ठीक है? हाँ गुड्डू जी अब बोलिए, हम बोलते हैं देखिए हमारी तरफ से तो गलती नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये लोग केयरलेस लोग हैं शब्दों को, थोड़ा भैया थोड़ा फेसबुक लाइव, देखिए ऐसा है लंदन रिटर्न है पंचायत में लोग, चौबे जी देखिए ऐसा है शांति रखिए, चौबे जी लंदन से आए हैं रिटर्न होकर, पंचायत में पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो केयरलेस है पहली बात, इनके पास जो गाय है उसको छोड़ देते हैं, दूसरी बात हम अपनी तरफ से कहीं गलत नहीं थे, ठीक है, हमारे पास गाय आई, हमने उसको पाला पोसा हैप्पी करके रखा, ठीक है, तो हमने बिल्कुल नंबर एक तरीके से गाय ली थी, और फिर अपने दोस्ती के वास्ते इनको हमने गाय दी थी, ठीक है, तो हम कहीं से गलत नहीं थे, उल्टा ये लोग केयरलेस हैं, गाय इनको जो मिली वो रख नहीं पाते हैं, तो मतलब गाय की जिम्मेदारी हमें तो आपकी मांग है, एक मिनट सुना जाए शांति रखा जाए, अरे कलेजा फट जाएगा मर्दे, शांति रखिए कलेजा फट जाएगा, अरे सुनिए तो आपको गाय वापस चाहिए आपकी,
अच्छा आपके पास ही है गाय, तो ये चाहते हैं कि इनको दे दीजिए गाय वापस। अच्छा देखिए मुद्दा ऐसा है, थोड़ा सा संगीन है, ये फकीर बाबा कहाँ है इनको ढूंढ कर निकाला जाए। सबसे पहले तो सबसे पहली पंचायत की मांग है, आपकी क्या मांग है आप कहिए। सरपंच जी सबसे पहले तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप गुड्डू जी को समझाएं कि हमारे भाई के बारे में ऐसा वैसा कुछ ना बोले। नहीं बहुत गलत बात है, नहीं गुड्डू जी आप बीपी हाई हो जाता है कुछ भी बोल जाते हैं, बीपी नहीं हाई करना है। और दूसरी बात तो ये है कि फकीर बाबा ने वो गाय हमें बेची थी, हमने बांध बुन के रखा था। आराम से बैठिए, फट जाएगा यहाँ का। बनिए मुर्गा बनिए, ये क्या हरकत कर रहे हैं, मुर्गा बनिए एक बार। पनीर बाबा खरीदा है और आप चाहे तो हम उसका पालन कर रहे हैं, जीएसटी नंबर भी भेज सकते हैं। पहले बोले थे पालक पोसे नहीं है, पाल पोस के लगे, पहले क्या गाय हम लोग पाल पोस नहीं देते क्या? सुनिए हमने खरीदा है, अगर वो भागी है वापिस फकीर के और या चोरी क्या है वो हमारी है। एक सवाल है हमारा आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मर रही थी एकदम पोषित थी। अरे भैया दो मिनट रुकिए जरा, अगर आप अच्छे से पाल पोस रहे थे तो फिर आपकी गाय भागी। मेरी दलील है कि गुड्डू और फकीर मिल के मेरी गाय को चोरी करके ले गए, मेरे भाई की गाय को चोरी करके ले गए और फिर बाद में गलत जीएसटी नंबर का बिल लेकर अपनी गाय बना। नहीं नहीं गलत बात है, जीएसटी नंबर बड़ा पता है, गलत जीएसटी नंबर कहां से रखा है आपके पास? जीएसटी नंबर का पर्चा है, जीएसटी नंबर का पर्चा कटवाए। अरे अम्मा रुकिए जरा, आप ऐसे बात हो रही है, पल्लू में रहिए जरा। अरे सुनिए आपके पास जीएसटी नंबर का पर्चा है क्या? जीएसटी कटवाए। देखिए ऐसा इंसान जो सब जैसे ऐसे दिमाग में जिसको ऐसे ख्याल आते हैं कि फर्जी जीएसटी नंबर बन सकता है, वो देखिए वो नियत से ही चोर हो रहा है। कॉन्टेक्ट कार्ड काहे दे रहे हैं, हम क्या करेंगे उनके नंबर का? मैं पंचायत से ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा दिया जाए जरा, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब वेरीफाई करेंगे जरा, कलेक्टर साहब वेरीफाई करेंगे। कलेक्टर साहब आए हैं, कलेक्टर साहब जब तक जीएसटी नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, सुनिए हाँ नाम खुश रहिए। पंचायत से मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं अगर गुड्डू का चश्मा चोरी कर भेज दूं और जीएसटी बिल में टिक करके ये मेरा चश्मा, क्या गुड्डू का चश्मा मेरे भाई का हो जाए? नहीं बिल्कुल नहीं होगा भाई, हमारी गाय क्या हमारी गाय इनकी हो जाएगी? नहीं, अरे आप पहले कोई न्यूज चैनल में रिपोर्टर देखा ऐसे मत बोलिए आराम। देखिए भाई साहब भी गलत नहीं है और हमारा पक्ष भी गलती फकीर की थी, गलती फकीर की थी। भैया पहले बैठ जाइए आप, सम्मान जाना खड़े हो जाता है, बैठ जाइए गिर जाएंगे आप। गलती फकीर की थी ठीक है ना, वो गलत है ना हम गलत है ठीक है, मगर इनकी ये गलती है कि इनके पास गाय थी फिर भी चले गए, हमारे पास गाय है फिर भी खुशी खुशी रह रही है, हैप्पी है, इसलिए हैप्पी हमारी हुई क्योंकि हम हैप्पी है भाई। अच्छा सुनिए हाँ बोला जाए, इन्होंने खरीदने से पहले एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं करी कि गाय चोरी की है या गाय नहीं। अब अगर देखिए भैया ऐसा है, जब आपने खरीदा था तो आपने पूछा था गाय चोरी की है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाने के लिए, गाय को बुलाया जाए। एक दलील और है, अरे रुकिए पहले गाय, अरे सुन लीजिए भैया, गाय को खड़ी है, गाय का परीक्षण होगा, गाय सामने आए, गाय इधर है, गाय आगे आए, गाय का परीक्षण होगा। एक दलील सुनिए, पहले एक दलील सुनिए, दलील आपकी सुनेंगे। इनका ये कहना कि गाय छोड़ दी गई इससे मैं असहमत हूँ, इनको थोड़ा माफी मांगनी है। अरे पहले आप ये बताइए, हमने गाय नहीं छोड़ी। अरे महामहिम राष्ट्रपति जी थोड़ा शांति रखिए, बोलिए। इन्होंने हमारी गाय चोरी कर ली, हमने गाय नहीं छोड़ी है, इन्होंने हमारी गाय चोरी करी, मैं इनसे माफी मांगने को कहता हूँ। देखिए ऐसा है, बात को आप घुमा रहे हैं, गाय को लाया जाए सामने, गाय सामने आइए, गाय जो बोलेगी वो होगा, गाय आओ। अरे नहीं नहीं ये गलत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है गुड्डू जी गलत बात है ये। अच्छा गाय इधर पंचों को चारा दिखाकर बहलाने फुसलाने की कोशिश ना करें। अच्छा आप बताइए गाय जी आप बताइए मोदी जी से खुश हैं? अच्छा पहले तो एक बार बताइए कि ये जो इधर गुड्डू जी और उनकी मोहतरमा बैठी हैं पत्नी जी, बेशरम हो गई हैं आजकल थोड़ा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप किनके साथ खुश हैं? इनके साथ खुश हैं कि बका के परिवार वालों के साथ खुश हैं?
तो आप ऐसा कीजिए, आप जो है बीच में खड़े हो जाइए और आप जिस तरफ को उस तरफ मुंह कीजिएगा जिस तरह आपको रहना है, ठीक है, जिनके साथ आपको रहना है। नहीं ऐसा है, सुनिए ना, बेशरम हो काजी, पंचों की तरह पीट करते हो, चलो तुम इधर। शरम आता है जी, गाय हो के हमको ये सब बताना पड़ेगा। हाँ जी, गाय गाय फैसला करेगी, गाय माता है। तो बताइए, ये तुम्हें जाने दी, तुम हमारे हो, ये चीयर्स लीडर की तरह कूदने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना बताइए, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? चारा दो, अरे हम तुमको शुक्ला पशु आहार देंगे, आ जाओ। अरे शांति शांति, जल्दी किया जाए, समय जाए, किया जाए। पंचों के सामने ऐसे रिश्वतखोरी ना की जाए। इन्हें भैया रिश्वतखोरी का केस लगाओ इन पे, आप इधर आइए। मुर्गा बनिए पहले, आप मुर्गा बनिए पहले, आप रिश्वत कैसे ले सकते हैं पंचों के सामने? पंचायत से मेरी दलील है, हम पंचायत की आप देखिए, पंचायत ने आप सबके कुकर्मों को देख लिया है, ठीक है, आपके कुकर्मों के बेसिस पे पंचायत फैसला लेगी। पंचायत तो दो मिनट समय चाहती है अपने विचार विमर्श का। देखिए ऐसा है, अब जब मामला गाय का है तो थोड़ा सा मामला संगीन है, यहाँ इनका परिवार भी बड़ा है, सबको दूधों की ज्यादा जरूरत है। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बीच में जो मामला फकीर जी ने गड़बड़ाया है, अब फकीर जी तो मिल नहीं रहे हैं, तो गुड्डू जी और पक्का जी से एक तो आग्रह है पंचायत का कि फकीर जी को ढूंढा जाए और कूट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा से कूट दिया जाए फकीर जी को, कि फकीर जी ने गलती की है। अच्छा सुनो जी, सुनो ऐसा गलत काम काहे करते हो? शरम आता है, जो परिवार में लड़ाई करवा दिए हो, भाई बहन में लड़ाई करवा दिए हो, मियां बीवी लड़ रहे हैं, ऐसा काम काहे करते हो बताओ? मुर्गा बनो चलते हैं, पंचों की बात का सम्मान किया था, अपना पैसा है। कोतवालों से अनुरोध है इनको तुरंत जेल में बंद किया जाए। अरे बट गाय कैसे? करनी सेना से अनुरोध है इनको तुरंत यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो पंचायत जो फैसला ले रही है उस फैसले में यह है कि हालांकि प्रदर्शन इनका उमदा रहा है, बड़ा परिवार है, लेकिन जहां तक बात गाय और दूध की है तो दूध का आधा आधा बंटवारा होगा, और एक दिन दूध गुड्डू निकालेगा, एक दिन दूध बग्गा निकालेगा। चारा चारे का दाम जो होगा आधा आधा दोनों को मिलाना होगा। ये तो मेरे भाई साहब अन्याय हो रहा है पंचायत आपके घर के लिए। हम पंचों के निर्णय का सम्मान करते हैं, मानते हैं बस। तो गुड्डू और बग्गा आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए, गाय को मारने काटने की बात मत कीजिए, तुरंत मरवा दिए जाओगे, तुरंत अभी बता दे रहे हैं योगी जी को। बंद करो इनको, बंद करो। देखिए क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, निवेदन करते हैं कि गाय हमारे पास रखी जाए। नहीं, 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 सारे नहीं। समस्या ये है, देखिए बता रहे हैं, समस्या ये है, चोर है ये, चोर है। पंचों की बात पूरी है, शांति शांति रखी जाए, शांति रखी जाए। एक बार हमने आपकी सारी दलीलें सुन ली है, निर्णय हमने सुना दिया है, आप इस निर्णय का सम्मान करें, ठीक है। आप जो है अब ज्यादा विलम्ब ना करें, दूध एक दिन आप निकाले बग्गा जी, एक दिन आप निकाले। और सुनिए गुड्डू जी, अपनी औरत को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, आप से बाहर हो जाती है। जो भी दूध निकलता है उसकी मिठाई बनाकर हमारे पंचों के घर पे भी थोड़ा भिजवाया। हाँ, इस वक्त ये चलती है इतनी तो। हमारा भी ध्यान रखा जाए, मामला सुलझाया जाए। हाँ सुनिए, अब जहाँ तक गाय के हाव भाव को देखा गया है, गाय ने कल मुंह मारा ज्यादा है तो गाय उधर ही रहेगी, ठीक है। ऐसा गलत है। अब अगर अब एक बात दूसरी और भी है, अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको गाय को चारा खिलाना पड़ेगा। खुश होइए भैया, गाय का गोबर नहीं साफ करना पड़ेगा। गाय का गोबर साफ करने के लिए मेहरारू चाहिए, गाय का गोबर साफ करेगी, सेवा करना चाहिए। अच्छा, ये हो गई फैसले की बात। जहाँ तक प्रदर्शन को देखा जाता है उस पर इस टीम को विजेता घोषित किया जाता है, पंचों का ये फैसला है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना जो पुरस्कार है स्वीकार करें और आप भैया कट लें पंचों के साथ। भैया तो आप अपना पुरस्कार स्वीकार करें, लाइक कर दीजिए।